दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव ओडिशा के पुरी में धूमधाम से मनाया जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु पुरी जगन्नाथ मंदिर के बाहर एक होते हैं, जहां से रथ खींचकर गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाता है। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2 साल से कोविड प्रतिबंधों को ध्यान रख मनाया जा रहा था, परंतु इस बार यह उत्सव फिर से पहले की तरह आयोजित किया गया है। तीर्थयात्री भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र रथों की रस्सियों को खींचने के लिए उड़ीसा में बहुत ही उत्साहित हैं। दोस्तों, यह सब तो आप में से कई लोग जानते ही होंगे, परंतु आज हम आपको बताने वाले हैं इस रथ यात्रा से जुड़े 10 तथ्य, जिन्हें जानकर आप अवश्य ही भारतीय होने पर और गर्व महसूस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन में, जहां हम अपने देवी देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियां साझा करते हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करती हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के रोचक तथ्य। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनाई गई हैं। नीम की लकड़ी को इसलिए चुना जाता है क्योंकि भविष्य पुराण के अनुसार यह सबसे शुभ लकड़ी है, जिससे विष्णु जी की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। इस जुलूस को रथों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों की यात्रा का गवाह है, जहां भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष 18 पहियों पर चलता है, वहीं तलध्वज भगवान बलराम का रथ 16 पहियों पर स्थापित है और देवी सुभद्रा के पदध्वज में 14 पहिये हैं। आपको बता दे, नंदी घोष, तलध्वज और पद्मध्वज इनके रथों के नाम हैं। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर रथों का निर्माण शुरू हो जाता है। तीनों रथों को बनाने के लिए हर साल लगभग 1400 शिल्पकार लग जाते हैं। रथों का निर्माण करते वक्त मापने के लिए मापने वाली टेप नहीं, लेकिन माप की एक प्राचीन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जहां वाहनों की लंबाई और चौड़ाई को मापने के लिए हाथों और उंगलियों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा निर्माण प्रक्रिया में धातु की कीलों के बजाय लकड़ी के खूंटे और जोड़ों का उपयोग किया जाता है। रथों के शीर्ष इस तरह से बनाए गए हैं कि वह जगन्नाथ मंदिर के टावरों की संरचना के जैसे दिखे। 15 कुशल दर्जी की एक टीम 1200 मीटर कपड़े से छतरियां बनाती हैं। पौराणिक बातों के अनुसार यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के राजा को सोने की झाड़ से फर्श पर झाड़ू लगाना होता है। भगवान के मार्ग को साफ करके राजा इस बात का प्रतीक है कि राजा भी कुछ नहीं बल्कि केवल भगवान के सेवक हैं, और ये आज भी यात्रा से पहले किया जाता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ते, एक ऐसी घटना जो अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ को पक्षियों के राजा गरुड़ देव द्वारा ले जाया जाता है। दिव्य पक्षी गरुड़, जो भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि गरुड़ देव पूरी जगन्नाथ मंदिर के रक्षा करते हैं, इसलिए पक्षी पवित्र स्थान के ऊपर उड़ने से डरते हैं। दोस्तों, अगर हम इतिहास में देखें और आज भी एक भी रथ यात्रा ऐसी नहीं है जिसमें भारी बारिश ना हुई हो। लोगों की मान्यता है कि यह भगवान विष्णु की ही कृपा है कि वो
प्रसन्न होकर बारिश के रूप में अपना उत्साह दिखाते हैं। त्योहार का दिन हर साल वर्षा द्वारा मनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिरों में कई प्रतिबंधों का पालन किया जाता है, जिसमें एक ऐसा भी है जो हिंदुओं के अलावा किसी और को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं देता है। परंतु रथ यात्रा के दिन कोई भी भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद ले सकता है और उनकी मूर्ति की एक झलक देख सकता है, चाहे उनकी जाति और धर्म कुछ भी हो। दोस्तों, इतनी विशाल अद्भुत रथ यात्रा के बाद यह एक आम धारणा है कि उन्हें तोड़ दिया जाता है और जगन्नाथ मंदिर की रसोई में ईंधन के रूप में लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अंग्रेजों ने इस विशाल भव्य रथ यात्रा को देख अपने शब्दकोश में एक अंग्रेजी शब्द जगन्नॉट, जिसका अर्थ है एक विशाल शक्तिशाली और भारी शक्ति को जोड़ लिया था, जो कि भगवान जगन्नाथ के विशाल रथ से प्रेरणा लेकर ही बनाया गया है। दोस्तों, है ना सभी तथ्य आपको एक भारतीय होने पर और गर्व महसूस करवाने वाले? आपको इनमें से कौन सा तथ्य सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हाँ, ऐसा कोई तथ्य जो हम हमारी सूची में जोड़ सके वह भी अवश्य बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। आइए हम सब साथ में भगवान का नाम लें और अपने मन को पवित्र करें। जय जगन्नाथ भगवान की।